उज्जैन के आगर रोड पर किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और किसान बिल लागू करने के पीछे के फायदे बताए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कृषि बिल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा और किसानों को लाभ मिले, फायदा मिले, उसी को लेकर इसकी शुरुआत की गई है। किसान अपनी फसल, अपनी चीज को सही दाम में बेच सके और पूर्ण अधिकार उनको हो, जबकि कांग्रेस गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह कर किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तो यह भी नहीं पता कि कौन सी फसल कब आती है और कौन सी फसल कब कटती है, भिंडी कहाँ लगती है और भिंडी कहाँ बिकती है। वह कैसे बताएंगे कि किसानों के लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। इस दौरान मंत्री कमल पटेल, स्कूली शिक्षा मंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। अरे बाजार 20-25-40 रुपए किलो खरीदी लो, 2 रुपए किलो भी तो खरीदते हो। टमाटर क्या बढ़ गए, टमाटर लाल हुआ 50 रुपए किलो। अरे ठंडी भी तो बेचते 50 रुपए किलो बेचते, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के होने वाले खर्च, इन सब चीजों को छोड़ करके अगर व्यापारी मेरे पास आता है और मैं कहता हूं कि मेरी फसल की कीमत है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, और व्यापारी कहता है कि मैं लेने के लिए तैयार हूं, तो मेरे मित्रों मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें मोदी जी ने क्या गलत कर दिया है। किसान को अधिकार दिया है, किसान को आजादी दी है, किसान को एक कहा है कि अपनी फसल की कीमत तैयार करने के लिए तो आपको आजादी देने कदम कदम पर धोखा देने वाले मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही बैठे हैं। हम तो कोरोना काल में बने, व्यवस्थाएं कुछ बनी नहीं थी, फाइलें हमने झाड़ पहुंच के देखी तो पता चला कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही खा गए। सरे हम कह रहा हूं महाकाल महाराज के नेतृत्व 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम दादा ने जमा किया ही नहीं, उसी 3100 करोड़ किसान को मिले नहीं। मुझे गर्व है कहते हुए पहला फैसला हमने किया कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनको जवाब देना चाहिए। 19 का 20 का फसल बीमा योजना का रबी का खरीफ का प्रीमियम खा गए, फिर वो प्रीमियम जमा करके किसान भाइयों 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डाले, इसी उज्जैन जिले में 800 करोड़ रुपया से ज्यादा किसान के खाते में डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शिवराज सिंह चौहान ने किया। और केवल इतने ही नहीं, 0% ब्याज पर फिर कर्जा हमने देना शुरू किया। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतना हो जाएगा, की बता रहे आपके सामने। इन्हें इतनी बेईमानी की प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते 6000 रुपया उसकी सूची तक नहीं भेजी प्रधानमंत्री को, और इसलिए लाखों किसान के खाते में पैसा नहीं आया। तुम्हारा क्या जाता था कमलनाथ, तुम्हें तो केवल सूची भेजनी थी। अरे हींग लगाना फिटकरी रंग चले चोखा तुम्हारा क्या जाता था, लेकिन इनने वो सूची तक नहीं भेजी। हमने सूची भेजी, पूरी सूची बनवाई, और जब मैं सूची बना रहा था तो एक विचार दिमाग में आया कि मामा चौथी बार बन गया, रे कम से कम 4000 तू भी तो ना, और ये 6 के साथ 4000 जोड़ के 10000 कर दिए। आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ सब किसानों को मिलेगा, और ये तो सबों ने भैया भी कोरोना की कड़की है रे, देखो आगे आगे क्या होता है। चिंता करने की ये जो कानून है किसानों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद रहेगा और क्या रहेगा? मोदी जी ने कल्पना की है वो अंदर से आते हैं, जब किसान के खेत पर बिजली नहीं होती थी, जनरेटर से सिंचाई करता था, खेतों पर पानी पहुंचाता था, बिजली नहीं मिलती थी, ट्रांसफार्मर के भारत में कहीं भी बेच सकते हैं।
अरे इस समय कानून बने सभी किसान इसके साथ है, लेकिन बिजली नहीं मिलती थी। कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन वामपंथी दल जो ये कानूनी संगठन है किसानों को भ्रमित कर कर जो आंदोलन कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं और इस समर्थन के लिए संबोधित करने आ रहे हैं। इसमें शिवाजीगंज मंडल की सहभागिता सभी किसान इसमें सभी पहनकर आए हैं। किस प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद रहेंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा? पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण और संभाग से पधारे हुए और मुझे ग्रामीण जिले थे और नगर जिले थे और पूरे संभाग से पधारे हुए सभी किसान बंधु, आप सब लोग 12 बजे से अभी 6 घंटे 12 बजे से 6 बजे तक लगातार हजारों हजार की संख्या में पधार करके आपने जिस प्रकार से वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।